अम्फान भीषण सामुद्रिक झड़र रूप नहीं पारादीप 980 किलोमीटर दक्षिण से एवं अवस्थित रही बात्या अम्फान एवं घंटा प्रति 6 किलोमीटर वेगरे गति करुछि। आज संध्या रिकर्व हेबो उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। रिकर्व परे अम्फान रो गतिपथ आकलन करिहेबो। संध्या परे लैंडफॉल रो स्थान एवं समय स्पष्ट जना पड़िजिबो। संभाव्य बात्या को आखि आगरे रखी 12 जिला को अलर्ट करा जायछि। एहि सब जिलार जिलापाल मानको प्रस्तुत रहिबा पई निर्देश दिया जायछि। 19 तारीख अपराह्न परे ओडिसा रे पवन रो प्रभाव रहिबो। केउं अंचल रे लोकंकु स्थानांतर करा जिवो सेने आलोचना चालीछि। प्रभावित जिले रे एनडीआरएफ पहुंचे सारीछि बा जो संभाव्य बात्यार आकलन करा जाउछि। आवश्यकता को देखि लोकंकु सठिक समय रे स्थानांतर करा जिवो। 7000 रु अधिक अतिरिक्त बात्या आश्रयस्थली भावरे चिन्हट होइछि। आसंता कालीठारु सामान्य रु मध्यम धरणर वर्षा हेबो। 19 तारिख रु मध्यम रु प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करा जाउछि। 20 तारीख में उपकूलवर्ती इलाके प्रबल रु प्रबलतर वर्षा हो पारे। 20 अपराह्न रु संध्या भितर लैंडफॉल करिबो बात्या। अति भीषण सामुद्रिक झड़ भाव में लैंडफॉल करिबो। पश्चिमबंगर सागर आइलैंड एवं बांग्लादेश हातिया आइलैंड मझे यह लैंडफॉल करिबो। 19 अपराह्न में उपकूल ओडिशा रे घंटा प्रति 45 से 55 किलोमीटर वेगरे पवन बही पारे। 20 तारीख में पवन वेग घंटा प्रति 75 से 85 किलोमीटर मध्य रहिबो। आज संध्या बेलू सुधा बा लेट इवनिंग सुधा तार जो रिकर्विंग प्रोसेस हुए से रिकर्विंग प्रोसेस कंप्लीट हबो। आमर प्रिपेयर्डनेस लेवल जहाँ आम रखीलु से ही प्रिपेयर्डनेस लेवल को बर्तमान पर्यंत रखीचु। आमर अलर्ट लेवल से अच्छी से 12 जिला गत काली जहाँ कही 12 जिला को एवं आम अलर्ट रखीचु। 19 तारीख रे एलोंग दि कोस्ट एंड ऑफ नॉर्थ कोस्ट माने से जो आम जो जगत अस्तरंग अंचल ऊपर को जो अंचल रहिबो से अंचल रे 75 से 85 किलोमीटर पर्यंत घंटा प्रति पवन वेग रहिबो। गत काली आम जहाँ ओड्राफ आउ एनडीआरएफ जो डिप्यूट करिछु से माने मध्य पहुँची जाइछन्ते। एडिशनल ओड्राफ डिप्लॉयमेंट आज करा जिवो ताकू देखिकी सो से जिला मानक जथेष समय आगे रे इट मे क्रॉस मान से क्रॉस वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट मान पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल सागर आइलैंड एवं बांग्लादेश हातिया आइलैंड मध्य भागे 20 तारीख आफ्टरनून बा अपराह्नरु संध्या भितर स्थलभाग चुईब गोटे भेरी सीभेरिक साइक्लोनिक स्टॉर्म। अधिक सूचना देवाप वर्तमान सहित प्रशांत स्वाई रही सहयोगी एवं प्रशांत जमती कहते एसआरसी कहते बारंबार पापाग विभाग जी कह आईएमडी पक्ष सूचना दि जाऊँगी जदि ओडार तो लैंडफॉल करेनि तेणु यार केवल प्रभाव वर्षा पवन हो पारे और 19 अपराह पर लैंडफॉल कला पर्यटन टी रश्चित 12 जिला को तो अलर्ट कर दी जो 4 जिला कथा कहला अधिक प्रभाव रे कि जिला प्रशासन प्रस्तुति चूड़ा कर सारे अधिक कौन सूचना अच्छी आपण को दवापी आम दर्शक मानक एसआरसी कहते हैं वास्तविक वर्तमान जहां रही बात्या अम्फान बा तार गति जहां रही घंटा को 6 किलोमीटर बेगरे से आसुची जेहेतु से पूरा कर्व रो आकृति नहीं ना ही जना पड़ कर्व आकृति नेला ही जना पड़ जे ओडिशा उपकूल को आसिबो ना ता गतिपथ कौन रहिबो एवं घंटापति बेग कौन हम कौटी हिट कर डिटेल हिसाब से आसी पार कि वर्तमान जहां आकलन रही ओडिशा उपकूल को सेतटा लैंडफॉल हबार कौन सूचना वर्तमान सुधा ना केवल 12 जिला प्रभावित हम सबुठ बेसी प्रभावित हम 4 जिला जगत सिंहपुर बालेश्वर केन्द्रापड़ा भद्रक कथा कहते हैं से सबू जिले आपत शुणुते जिलापाल मानक सतर्क सूचना जारी करदि पूरा प्रभाव ओडिशा पड़े से 11 लक्ष लोक दरकार हेल्ले स्थानातर हो प्रस्तुति राज्य सरकार अच्छा
किंतु लोकंको कोनोसी आतंकित होबार नै पैनिक होबार नै राज्य सरकार एकता कहिसेंती एसआरसी लोकंको परामर्श दैछेंती एवं पैनिक बाइक करबा दरकार नै अदथा किनाकिनि करबार आवश्यकता नै ओडिसा प्रति वर्तमान सुधा सेतरा विपद नै 19 रु वर्षा होबो एवं अधिक वर्षा होबो उपकूल ओडिसा रे गोटे गोटे जगह रे अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अछि ताकू आखिरे रखी सरकार सब प्रकार प्रस्तुति करिसेंती एवं सब प्रकार जिनिस महजूद अछि ए कथा एसआरसी कहिसेंती एवं ए परामर्श दैछेंती एनडीआरएफ कथा कोंतु ओड्राफ कथा कोंतु समस्तक मध्ये मुतबाद करा जाय किंतु वर्षा हम जो ओडिशा उपर केते प्रभाव रहइबो वर्षा हवा कथा कुआ जाउ निहाती तो बेगो वर्तमान सुधा जहां अनुमान करा जाउ कि जहां सही हिसाब रे आसीले 70 रु 75 बा 80 किलोमीटर अति बेसी रे वर्तमान सुधा आकलन रहि किंतु ए सब परे आज राति ए परे ही जणा पडिबो जतबे कर्व नै सारिबो तार गति परे जाउ कि बदल बि कि नाही एवं कोठी एग्जैक्टली लैंडफॉल करिवो एमते अनेक रूपरेखा स्पष्ट हबो निश्चित बाबरे ये जते जते समय जीव बा रिकवरिंग प्रोसेस जो थाए ए बातेर ता परे ही स्पष्ट हे जीव ये निश्चित बाबरे एसआरसी मध्ये कहले एवं प्रशांत इकु निश्चित में अपेक्षा करबा जे प्रकृति आमे आशा तो करबा जे ओडिसा को जहां रही छी वर्तमान स्थिति सेति की रहू लैंडफॉल जहां अनुमान करा जो छी से आई हो ओडिसा भीतर को न आस बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत स्वाई मो सहयोगी थिले अधिक आलोचना करूथले संपर्क रे एवं जदि कहुजे प्रभाव 19 तारीख संध्या परठ ही जना पड़ रहा ओडिशा उपरे वर्षा टिके एवं पवन रति टिके बढ़ो एवं 20 तारीख लैंडफॉल निश्चित भाव में करुच्छे कि रिकर्विंग पर ही स्पष्ट हो एक्जाक्टली को प्लेस रे लैंडफॉल करने को जाऊँच बात्या अम्फान।